हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसान और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हमें ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नौजवान के मन में अगर निराशा आती है तो देश में प्रगति होना संभव नहीं है। और आप सब जानते हो, मुझे भी राजनीति में 20-22 साल हो गए। मैंने हर मोर्चे पर, हर जगह पक्ष विपक्ष हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, उनके हितों की रक्षा करने की बात की है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात की है। स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है और मैंने उनकी पुण्यतिथि के रोज पिछले 22-23 साल से हमेशा आपके बीच में, आप लोग आए, आपका असीम आशीर्वाद और प्रेम हम लोगों को मिला है। आज इस मौके पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत पहले भी था, आगे भी होगा। आज तो हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथों में है। आप सब लोगों ने हमेशा मुझे ताकत और संबल दिया। जब चुनौती का समय आया, जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो यहाँ के 36 गांव के लोगों ने, इस मिट्टी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मेरी आवाज में बुलंदी आ सके। और आप लोग सब जानते हो कि मेरी आवाज की बुलंदी में कमी तो नहीं है कोई। और मेरा जो विश्वास और वादा है उसमें ना मैं पहले कभी पीछे हटा हूं ना आगे हटने वाला। राजनीति में साथियों बहुत से लोग आते हैं, कोई प्रधान बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, सत्ता में, विपक्ष में, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े पद हैं, आए लोग चले गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हम किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन जनता हमको तोल कर रखती है हमेशा। तुम कहते क्या थे, करते क्या थे। मेरे लिए जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता सबसे पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। और पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास में कहीं आपको लगे कि कोई कमी आ गई है। जो राजनीति आज देश प्रदेश में है आपके सामने, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा। और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, यार उठा क्या रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से जो गरीब है, जो नौजवान है, उसकी मदद हम करते हैं तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के, नौजवानों की मदद करें। मैं साथियों, आप सब जानते हो, सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा। मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे राज्य में अगर कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है,
तो बजाय इसके हम औरों को दोष दें, हमें इसको सही करना चाहिए। और मुझे खुशी बताते हुए आज कोटा में बच्चों के लिए इतना शानदार अस्पताल बन गया कि अब वहां मौतें नहीं होती। मैंने जब ये मांग रखी थी, मैंने अकेले नहीं रखी थी, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए नहीं रखी थी। मुझे लगा कि सैकड़ों बच्चों के, नवजात शिशुओं की मौत हो रही है, इस पर सिर्फ इतना बोल दें कि भाई पहले ज्यादा होती थी अब कम हो रही है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और आज कोटा में एक शानदार बच्चों का हॉस्पिटल बन गया। अब वहां मौतों का सिलसिला जो था, भयानक क्रम था, वो समाप्त हो गया। इसलिए बात रखना, मैं समझता हूं राजनीति बहुत जरूरी है, और बात रखने में मैं जनता की आवाज को सुनता हूं, अपने अंतरात्मा को सुनता हूं, और भगवान की असीम कृपा है कि जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। और मैं तो जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी, उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अवसर नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं बड़े बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, थोड़ा सा इधर हो जाओ ना, ऐसे खिसक जाओ ना सर। आपने खाना आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो जो जांच किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है।